फ्रीलांसिंग का ये मतलब नहीं है कि आप अपवर्क और फाइवर के ऊपर जाके अपनी रगड़ो। ये कतई मकसद नहीं है कि आप वहां पे जाके $5,000 की बिडिंग करो और एक दूसरे से जॉबें छीनो और इन गोरों की मिन्नतें करो और इनको जब आपका प्रोजेक्ट पसंद ना आए तो इनको रिफंड करो और फिर हाथ पे हाथ रख के बैठो और वेट करो कि कहीं वो आपको जो है ना नेगेटिव फीडबैक ना छोड़ दे। डरो, सॉरी करो, प्लेजेंटली बोलो, कतई ये मकसद नहीं है। फ्रीलांस के वर्ड में आप जाए ना जरा, फ्रीलांसर या फ्रीलांस आजादी का नाम है, आपने तो अपने आप को बांध लिया हुआ है। समझे फ्रीलांस की, आज इस वीडियो में आपको मैं वो चीजें बताऊंगा जो आपको फ्रीलांस इकोनॉमी के बारे में जाननी चाहिए राइट नाउ राइट अवे। ब्रांड न्यू नॉलेज है, फ्री आपको बता रहा हूं, विच इज वर्थ योर लाइफ। ईमान का जी एग्जाम्पल दे रहा हूं उसकी, आप जरा यूट्यूब के ऊपर जाके उसकी वीडियो चेक करें कि उसने फ्रीलांसिंग को कैसे लिया, कैसे समझा। बहुत ज्यादा एस्पेक्ट्स आपको उसकी लाइफ से सीखने को मिलेंगे, लेकिन एक ऐसा एस्पेक्ट है जो हर बंदा नोटिस नहीं करता जो मैं आपको बताने वाला हूं। फ्रीलांसिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप खुद जब चाहे काम कर सकते हैं, इस वजह से आप कस्टमर्स के आगे हाथ जोड़ो, उनके तलवे चाटो, ये बिल्कुल ये मकसद नहीं है। फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि राइट कस्टमर को आपने अपनी राइट सर्विसेज सेल करनी है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन व्हाट यू आर डूइंग, सबसे पहले तो जाके थोड़ा सीख लो कर क्या रहे हो। कभी वीडियो एडिटिंग में जंप कर जाते हो, कभी वेब डेवलपमेंट में जंप कर जाते हो, कभी किस में कभी किस में, परफेक्ट किसी में आप होते ही नहीं हो, आपकी स्किल्स शार्प होती ही नहीं है, आपको काम आता ही नहीं है, और आप करते क्या हो कि ब्रश ऑफ करते हो, मिन्नतें करके, अच्छी अच्छी बातें करके, प्लीज प्लीज करके ब्रश ऑफ करते हो अपनी इनकेपेबिलिटी को। व्हाई, आंसर मी, व्हाई यू हैव टू बैग फॉर योर सर्विसेज। अगर आप सोना सेल करते हो तो मुझे एक बात बताओ, आपको कहना पड़ेगा प्लीज प्लीज सोना ले लो, मैं सस्ता भी देता हूँ, मैं आपको अभी देता हूँ, प्लीज मेरा सोना ले लो, प्लीज मेरा सोना ले लो, लोग लेंगे, उनको पता है कि ये सोना है। अगर आपकी सर्विसेज सोना नहीं है तो मिन्नतें भी कर लो, एक तो अपनी रिस्पेक्ट गंवाओगे, दूसरा आपको काम भी नहीं मिलेगा, फिर ये कहोगे कि यार फ्रीलांसिंग में पैसा ही नहीं है, ट्रिक्स लगाओगे, अपना मेंटल भी एफ अप हो जाओगे और अपना कैरेक्टर भी लूज करोगे। अभी मैं आपको कुछ ऐसी बातें रिवील करने वाला हूं जिसको आपने गौर से सुनना है। सबसे पहले फ्रीलांसिंग करने से पहले इसके मतलब को समझें। फ्रीलांस आजादी, अपनी सर्विसेज को शार्प कर लें। वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, कॉपी राइटिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं, उनको परफेक्ट कर लें, बाबे बन जाएं, मास्टर बन जाएं, जादूगर बन जाएं अपनी सर्विस में। जब आपको पता है ना कि सर्विस होती कैसी है, काम होता कैसे है, उसके बाद आपने काम कैसे ढूंढना है, डायरेक्टली अपवर्क फाइवर के ऊपर मत जाओ, डायरेक्टली टारगेट करो। सबसे पहले बैठो, वीडियो एडिटर हो तो टारगेट करो फ्री जो है ना इन्फ्लुएंसर ब्रांड्स, उनको टारगेट करो जो अपनी वीडियोस एक दो लगाते हैं अपने चैनल्स के ऊपर, अपनी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस लगाते हैं, या जो है ना अपनी वेबसाइट के ऊपर उनकी वीडियोस होती हैं, उनको टारगेट करो। सारों को ईमेल निकालो, कॉन्टैक्ट्स निकालो, ईमेल करना आता है आपको, उनको सारों को वन बाय वन ईमेल करो, कॉल करो, कॉल करना कौन सा मुश्किल है, वॉइस सिस्टम अवेलेबल है, पूरी दुनिया में आप कॉल कर सकते हो सिर्फ $10-15 महीने का। देखे यूके के कस्टमर्स हैं, यूके में वॉइस ओवर आईपी फोन नंबर बाय करो, कहीं से बैठ के बाय कर सकते हो, कॉल्स करो, यूके में दिन रात सुबह शाम कस्टमर मिलेंगे। कस्टमर को बोलो, बताओ उसको कि व्हाट ही नीड्स एंड व्हाट यू कैन प्रोवाइड, और उसको ये बताओ कि जब मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं यू विल हैव रिजल्ट्स और ये चीज आपको बेनिफिट करेगी। और जब आपको पता है ना आपकी अपनी सर्विस में दम है, आपको पता है जो आप काम कर रहे हो इट इज समथिंग, इससे सिग्निफिकेंस पैदा होती है, कोई बंदा आपका काम नोटिस किए बगैर रह ही नहीं सकता। जब ये आपके अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस आ जाता है, कस्टमर को पता लग जाता है, क्लाइंट को पता लग जाता है, आपकी आवाज में वो कॉन्फिडेंस नजर आता है क्लाइंट को। जितने भी क्लाइंट हैं, बिजनेसेस हैं, वो भूखे हैं इस चीज के लिए कि उनको ऐसा काम, ऐसा बंदा मिले जो उनकी सेल को बढ़ा सके, जो उनकी ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ा सके,
जो उनका काम आसान कर सके। लोग किस लिए पैसे पे करते हैं आपको? ये चीज अपने अपने दिमाग में घुसानी है। आप भूल गए हो कि लोग पैसा देते क्यों है। आप किसी को पैसा क्यों देते हो? आपका काम आसान करता है ना, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, या आपको इंटरटेन करता है, या आपके बिजनेस को आसान करता है, या बिजनेस को ग्रो करवाता है। तो आप उनमें से कौन सा काम कर रहे हो? अगर आप उनमें से एक भी काम नहीं कर सकते किसी के लिए, तो पैसा किसका ले रहे हो? किस चीज का पैसा सोचते हो कि आपको मिले? जाओ जाके जो है ना मजदूरों के साथ काम करो। छोड़ो ये फ्रीलांसिंग, छोड़ो ये जो ऑनलाइन वर्क करना। वैल्यू प्रोवाइड करना आपको आता नहीं है, आपके माइंड में ये चीज बैठती नहीं है कि आपने वैल्यू प्रोवाइड करनी है किसी को। अब बाहर में जाओ भाई, घर में बैठो, सुकून से चिल करो, एटलीस्ट नेटफ्लिक्स के ऊपर बिंज वॉचिंग करो, वो बेहतर टाइम इन्वेस्टमेंट है आपकी। कैरेक्टर भी खराब करो, दूसरे लोगों को भी डीमोटिवेट कर रहे हो कि ऑनलाइन में पैसा नहीं है। मैं यहाँ पे लंदन में हूँ ना, मुझे बिजनेस रन कर रहा हूँ, मेरे पास कॉल्स आती हैं। कॉल्स कैसे आती हैं? हेलो, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू वेब डेवलपमेंट सर्विसेज एंड ला ला ला, प्लीज वुड यू लाइक टू कंसीडर आवर सर्विसेज। मैं कहता हूँ हाँ ओके, जस्ट चेक करने के लिए। मैं कहता हूँ अच्छा मुझे प्राइस भेजो, मुझे उसके बाद कोई ईमेल नहीं आता। ऑनेस्टली इट्स सो एफ्ड अप कि मुझे ईमेल्स आती हैं, कॉल्स आती हैं कि मैं कहता हूँ अच्छा मुझे ना जरा उसकी डिटेल सेंड करो, आप जो भी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो कंप्लीट डिटेल सेंड करो, मुझे प्राइसिंग सेंड करो, और ये बताओ कि मुझे कैसे बेनिफिट करेगी आपकी सर्विस। बैकअप, सर वुड यू लाइक टू हैव आवर एसईओ सर्विसेज प्लीज, एंड वी एक्चुअली वी चेक्ड, वी ऑडिटेड योर वेबसाइट एंड देयर इज पोटेंशियल इन योर वेबसाइट, वी लाइक योर वेबसाइट, we can provide you this and that, but we cannot provide you price, clear price, we cannot provide you how it works, how it gonna benefit me, isse mujhe kya fayda hone wala, ye hum provide nahi kar sakte, kyunki wo jo baithi hoti hai na sale ke upar, jo baithe hote hain sale ke upar, unhone to bas call karni hai, call karke aap logon ko aata hi nahi hai ki services kaise provide karenge, ya baat kaise karenge, ya maine karna kya hai, aapko kuch pata nahi hai, aap log kya kar rahe ho, मंकी की तरह काम कर रहे हो। अब एक वो है तलवारबाज, मिसाल बड़ी अच्छी है, जरा गौर से सुनना, तलवारबाज है वो, तलवारबाजी करता है, शक 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 शक, ये वो इधर उधर से तलवार घुमाता है, इधर उधर घुमाता है, ठीक है। अब वो तो तलवार से मास्टर से मास्टर से मास्टर होता जाएगा, और दूसरा मंकी उसको देखता है, जब वो तलवारबाज तलवार घुमा रहा है, सारे उसको देख रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, ठीक है, और सॉरी टू से ये सब उसको पसंद भी कर रहे हैं जो है ना, वगैरह वगैरह वगैरह, बादशाह भी, वहाँ की कनीज़ें भी, सॉरी उसकी तरफ देख रहे हैं, और दूसरा मंकी मेरे जैसा आप जैसा, वो कहता है मैं भी कर सकता हूँ। उसने ये नहीं देखा कि उसने प्रैक्टिस की है, उसने उसको काम किया, उसको इम्प्रेस किया उस स्किल को। मेरे जैसा मंकी भी तलवार उठा के यहाँ शक 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 करने लग जाता, एंड पे होता क्या, अपनी चीज़ें कार्ड बैठते। दोस्तों कोई इस दुनिया में फॉर्चुनेट नहीं होता, कोई इस दुनिया में लकी नहीं होता, कोई इस दुनिया में कोइंसिडेंस नहीं होता, या कोई अजूबा नहीं होते, अजूबे शजूबे नहीं होते, मेहनत होती है, राइट अप्रोच होती है। अगर आप फ्रीलांसिंग में राइट अप्रोच इख्तियार नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे, या नहीं करना चाहते, उसको समझ नहीं रहे, ये नहीं समझ रहे कि लोग पैसा देते क्यों है, नोटिस नहीं कर रहे, व्हाई द हेल आर यू इवन ट्राइंग फ्रीलांसिंग, इन क्वेश्चंस का आपके पास आंसर नहीं है, आई एम सो सॉरी, यू आर डेस्टिन्ड टू फेल। आप ये ब्रूटल क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हो अपने आप के साथ। आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड इफ यू हैव लर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, डोंट टेक इट पर्सनल। मैं आप लोगों को क्रिटिसाइज इसलिए कर रहा हूं जस्ट विद द इंटेंशन टू ओपन योर माइंड। मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे बढ़ो। Fairy tales, fantasies, they only work in movies, bro. They don't really work in real world. Go and freaking do something. And do something for real. Apna khyal rakhiyega, duaon mein yaad rakhiyega. Milte hain another awesome video. Bye-bye.